चलिए अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। हमने इन चारों रेशियो पर इनके फार्मूला डिस्कस किए और अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल से हमें ये रेशियोज़ प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशंस दी हैं। हमें दी है सेल्स 61,500, सेल्स रिटर्न 1,500, कॉस्ट ऑफ सेल्स 37,500, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,250, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3,900, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,500, लॉस बाय फायर 3,600, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 750। तो पहले हम सॉल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसमें हमें रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखना है, नीचे नेट सेल्स से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। हमें सेल्स दी हैं 61,500, सेल्स रिटर्न दिया है 1,500। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो आया नेट सेल्स। तो नेट सेल्स एक तरह से हो जाता है 60,000। 61,500 माइनस 1,500, तो ये नेट सेल्स है 60,000 की। फिर माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 37,500। ये हम माइनस करेंगे नेट सेल से तो वैल्यू आती है 22,500। फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 22,500 और हमारी नेट सेल्स है। नेट सेल्स जैसा कि हमने यहाँ बताया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स हो जाती है 60,000 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 37.5%। अब हम कैलकुलेट करेंगे अपना नेक्स्ट रेशियो। हमारा नेक्स्ट रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। तो हमारा फार्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। कि नेट प्रॉफिट पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। नेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस इनकम्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस करने हैं पहले। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते। तो पहले मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गुड्स परचेज करते टाइम किए जाते हैं या फैक्ट्री में प्रोडक्शन पे जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो गुड्स परचेज करते टाइम जो एक्सपेंसेस होंगे या फैक्ट्री में प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, ये डायरेक्ट, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं।
इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस करने हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने यहाँ माइनस किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर हमने माइनस किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस किया, लॉस बाय फायर माइनस किया, ये हमें क्वेश्चंस में दिए हैं। प्लस किया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करते टाइम वो आया था 22,500। फिर हमें क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए हैं 2,250 के। फिर हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं 3,900 के। फिर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का 1,500 दिया है। फिर लॉस बाय फायर का 3,600 दिया है। और फिर इनकम दी है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये चारों एक्सपेंसेस माइनस किए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस बाय फायर और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने प्लस की, तो हमारा प्रॉफिट आता है 12,000। ये सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। फिर हम अप्लाई कर देंगे नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट हमारा हमने अभी कैलकुलेट किया 12,000 का, और सेल्स हमें क्वेश्चन में दी है 61,500, और सेल्स रिटर्न दिया है 1,500 का। 61,500 में से 1,500 लेस किया सेल्स रिटर्न का, तो नेट सेल हुआ 60,000 का। तो ये हमें क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज़ दी हैं, सेल्स की भी सेल्स रिटर्न की भी, और यही वैल्यू हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में भी यूज़ की है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर आता है 20%। फिर हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दो दिए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हमने यहाँ पे सिर्फ यही दो एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, बाकी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने नहीं लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये दो एक्सपेंसेस आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम इन दोनों को लेस करेंगे तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमने यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला रखा तो ऊपर आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमें दिए हैं 2,250 के, माइनस किए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं 3,900 के, माइनस किए, और डिवाइड किया नेट सेल 60,000 से और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा आंसर आता है 27.25%। हमारा नेक्स्ट रेशियो है जो हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है 37,500, और फिर हमें दिया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,250, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। फिर क्वेश्चन में दिया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3,900, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो कॉस्ट ऑफ सेल में हमने दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस किए, और फिर डिवाइड करना है नेट सेल से। क्वेश्चन में सेल्स हमें दी थी 61,500 और सेल्स रिटर्न दिया था 1,500, तो
तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया तो आया नेट सेल्स 60,000, 61,500 में से 1,500 लेस किया तो आया 60,000। डिवाइड किया हमने यहाँ पे, नेट सेल्स लिखा 60,000 और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारा आंसर आता है 72.75%।